नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूमिनस कंपनी के सोलर इन्वर्टर प्रोटो केवीए इश्यू के बारे में। दोस्तों, यह इन्वर्टर 2 किलोवाट का है और सोलर इन्वर्टर प्रो सीरीज के अंदर ल्यूमिनस कंपनी के 2 इन्वर्टर है। एक है यह 2 किलोवाट का और एक है इनका 3 किलोवाट का। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं सोलर इन्वर्टर प्रो 2 केवीए के बारे में, यानी 2 किलोवाट वाले इन्वर्टर के बारे में, और जानेंगे कि इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन क्या है और आप इसके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के लिए 2 किलोवाट तक का इन्वर्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन क्या है और आप इसके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि बात करें इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यह ल्यूमिनस कंपनी का है और यह सोलर इन्वर्टर प्रो सीरीज का है और यह 2 किलोवाट का इन्वर्टर है। और दोस्तों, यह इन्वर्टर 2 किलोवाट का है, लेकिन इसके ऊपर आप 1600 वाट तक का ही लोड चला पाएंगे। और यह इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर के VOC 57 वोल्ट और 100 वोल्ट दी गई है, यानी मिनिमम 57 वोल्ट है और मैक्सिमम 100 वोल्ट दी गई है। और यह इन्वर्टर MPPT टाइप का है और इसकी जो सोलर पैनल कैपेसिटी है वो 2500 वाट है, यानी कि 2.5 किलोवाट है। और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी मैक्स करंट रेटिंग 38 एम्पियर दी गई है। यह इन्वर्टर प्योर साइन वेव वाला है और इसका वेट 25 किलो के आसपास है। और यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर के डिजाइन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिजाइन है वो काफी बढ़िया है और इसके फ्रंट साइड में आपको जालीदार बॉडी मिल जाती है, जिसमें यदि आप इसके ऊपर हैवी लोड चलाते हैं तो इसका जो सर्किट बोर्ड है वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो सभी इन्वर्टर के अंदर आपको कूलिंग फैन दिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको फ्रंट में जाली देखने को मिलती है बॉडी के अंदर ही। तो इससे आपके जो PCB बोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है और जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इसके अंदर लगे हुए हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और इसके फ्रंट पैनल पर ही आपको एक मिल जाती है LCD डिस्प्ले, जिसके अंदर आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि सोलर पैनल से लाइट कितनी आ रही है, बैटरी कितनी चार्ज है और सभी मोड वगैरह इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके एक साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलेगा, जिससे यह इन्वर्टर ऑन होगा। और दूसरी साइड में इस इन्वर्टर के 4 बटन आपको और देखने को मिलेंगे, जिससे आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी बैक पैनल की यदि हम बात करें, तो इसके बैक पैनल पर आप देख सकते हैं एक सबसे ऊपर आपको वाईफाई डोंगल लगाने का पोर्ट मिल जाता है, जिसे आप इसके ऊपर डोंगल लगा सकते हैं। और ल्यूमिनस कंपनी की जो ऐप है वो डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल से ही इस इन्वर्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो गई, सोलर पैनल से कितनी लाइट आ रही है और इन्वर्टर कितने एम्पियर करंट से बैटरी को चार्ज कर रहा है, कितना लोड इसके ऊपर चल रहा है। यह सभी डिटेल आप अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं। इस इन्वर्टर के बैक पैनल पे जो डोंगल लगाने का पोर्ट दिया है उसके ऊपर आप डोंगल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बैक पैनल पर ही आपको 2 कूलिंग फैन मिल जाते हैं, जिससे आपका इन्वर्टर जो है वो गर्म नहीं होगा। काफ़ी सारी कंपनीज आपको सिंगल फैन ही देते हैं और जब आप हैवी लोड इन्वर्टर के ऊपर चलाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर कूलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि इसके फ्रंट में भी जालीदार बॉडी है और साइड में भी हवा पास होने के लिए जाली बनाई गई है। और इसके बैक पैनल पर आपको 2 कूलिंग फैन मिल जाते हैं और इसके बैक पैनल पर ही आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वायर मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी बैटरियों से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको एक स्विच मिल जाता है बाईपास और नॉर्मल का, और 2 MCB मिलती है, एक है सोलर पैनल की MCB और दूसरी है AC MCB। और इसके नीचे ही दोस्तों आपको सोलर पैनल और फेस सप्लाई के वायर लगाने के लिए पोर्ट दिए गए हैं। तो ये था दोस्तों इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन। यदि बात करें कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं, तो दोस्तों इस इन्वर्टर के ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। और दोस्तों 1600 वाट के अंदर हमारा काफ़ी सारा लोड आ जाता है, लगभग घर का सारा ही लोड आ जाता है। जैसे कि इसके ऊपर हम फ्रिज चला सकते हैं, अपना कूलर भी चला सकते हैं, TV भी चला सकते हैं, कंप्यूटर भी चला सकते हैं, LED लाइट, सीलिंग फैन, पेडस्टल फैन, यहाँ तक कि 1 HP का वाटर पंप भी हम इसके ऊपर चला सकते हैं, यदि आपका वाटर पंप 3 या फिर 4 एम्पियर करंट ले रहा है तो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इसके ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं, वह चाहिए आप 1 टन का एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
और इसके ऊपर आप दो बैटरी लगा सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा एएच की बैटरी लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल 150 एएच की बैटरी लगाकर अपना काम चला सकते हैं। और दोस्तों यह इन्वर्टर 2500 वाट तक के सोलर पैनल इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आप इस इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्ट सोलर पैनल से अपने घर का लोड चला सकते हैं और जो एक्स्ट्रा लाइट बचेगी आपके सोलर पैनल से आने वाली वह आपकी बैटरियों के अंदर चली जाएगी, यानी आपकी बैटरी भी साथ में चार्ज होती रहेगी। तो दोस्तों यह एक अलग से फीचर है इस इन्वर्टर के अंदर। काफ़ी सारी कंपनीज हैं दोस्तों जो कि अपने इन्वर्टर की कैपेसिटी के जितने ही सोलर पैनल की कैपेसिटी देती हैं, जैसे कि 2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसके ऊपर आप 2 किलोवाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर के ऊपर आप 2500 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात करें इस इन्वर्टर के प्राइस के बारे में तो इस इन्वर्टर का प्राइस यहाँ पर 25,000 रुपये दिया गया है। तो 25,000 रुपये के अंदर दोस्तों आपको 1600 वाट का यह इन्वर्टर मिल जाएगा। इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगाकर अपने घर का 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस इन्वर्टर का प्राइस भी आपको बता दिया है। यदि आप यह इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो आप नज़दीकी किसी ल्यूमिनस के डीलर से जाकर इस इन्वर्टर को खरीद सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका प्राइस और भी कम देखने को मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।